सर, अनुभाग त्योंथर अंतर्गत NDPS पे लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी हाल में ही प्रयागराज से कुछ लोगों को पकड़ा गया है थाना जनेई के द्वारा। इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में श्रीमान IG महोदय और DIG महोदय के मार्गदर्शन में और हमारे SP साहब के नेतृत्व में लगातार अलग अलग टीमें गठित कर पूरे रीवा जिले में नशे के विरुद्ध, विशेषतर कफ सिरप, जो नशीली कफ सिरप है, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार थाना जने में एक अपराध कायम हुआ, जिसमें 1000 नशीली कफ सिरप जब्त की गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति से प्रयागराज में ये माल लिया था। वो जिनको गिरफ्तार किया गया था, वो खुद एक मेडिकल संचालक था, जिसकी दुकान गोहनिया जिला प्रयागराज में थी। वो अपने साथी के साथ था, वो भी प्रयागराज का ही रहने वाला था। उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद, जिससे उन्होंने माल लिया था, प्रयागराज में हमने एक विशेष टीम भेजी, उसको भी गिरफ्तारी की। और जब उससे गिरफ्तारी के दौरान उसके बाद पूछताछ की गई पुलिस रिमांड में, तो उन्होंने बताया कि हमने ये माल एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है। तत्पश्चात हमने एक नई टीम फिर से गठित की और प्रयागराज और कई ठिकानों पर हमने इसकी पूछताछ करी, और जानकारी लेने पर हमने उसको भी गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ पर यह पता चला कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि हमने इस माल जो हमने थाना जने के अंतर्गत थाना जने की पुलिस ने जब्त किया था, उसके बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई भी बिल प्रोड्यूस करने के संबंध में इनकार किया गया, तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इसी प्रकार रीवा जिले में लगातार जो पूर्व में भी अपराध हुए हैं, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लगातार सोर्स तक जाएंगे। हमने अलग अलग टीमें गठित की हुई हैं, अलग अलग अवैध रूप से संचालित मेडिकल संचालकों पर भी हम ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार अभी हमने थाना जने के इस प्रकरण में लगातार हमने दूसरे तीसरे सोर्स पर अटैक किया है और अवैध रूप से बेची जा रही नशीली कफ सिरप पर हमने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई हम लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में करते रहेंगे, ताकि नशीली कफ सिरप पर लगाम लगाई जा सके और नशे के विरुद्ध ये अभियान निरंतर चलता रहे। ठीक है सर, धन्यवाद।